गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक एंड रिव्यूज। और दोस्तों मैं चाहता हूं ना जितना जल्दी हो सके और जितना फटाफट हो सके, जितने छोटे वीडियोस में हो सके, मैं आपको जो है टोटल चीज बता दूं, ठीक है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं Xiaomi 11T Pro के बारे में। देखिए ये मोबाइल फोन जो है 8GB रैम से लेके 12GB रैम के वेरियंट में मोबाइल फोन आता है और 128GB स्टोरेज के साथ से लेके ये जो है 256GB स्टोरेज के वेरियंट तक में जो है ये मोबाइल फोन अवेलेबल है, ठीक है। अगर प्रोसेसर की मैं अगर बात करें तो प्रोसेसर भी जो है बहुत ही कमाल का है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर है, 888 प्रोसेसर है, जिसमें आपको जो है जो एड्रिनो है वो जो है 660 जीपीयू आपको देखने को मिलेगा, एकदम लेटेस्ट है। और साथ में जो है 6th जनरेशन का AI इंजन जो है इसमें बिल्ड आता है। स्नैपड्रैगन का ये जो है X65G मॉडम के साथ जो है ये लगा हुआ है। मतलब ओवरऑल देखा जाएगा तो आपका जो परफॉर्मेंस है ना वो बिल्कुल भी हिलने डुलने वाला नहीं है इस मोबाइल फोन में। अगर डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ तो 6.67 इंच का AMOLED डिस्प्ले लगा हुआ है। स्क्रीन रिफ्रेश रेट जो है इसको इसमें जो है आपको 120Hz का जो है स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। टच सैम्पलिंग रेट की अगर मैं बात करूँ तो 480Hz का टच सैम्पलिंग रेट, भाई ये आसपास भी किसी मोबाइल के नहीं टिकता है। इतना ज्यादा अच्छा तो मैंने अभी तक किसी मोबाइल फोन में मैंने तो अभी तक नहीं देखा है। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोग जो है बहुत सारे जगहों पे घूमते रहते हैं। साथ में जो है इस मोबाइल फोन में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर कैमरे की बात करूं तो भाई ये जो है सारी हदें पार कर चुका है। जितने भी Xiaomi, Redmi या Poco के फोन्स होते हैं भाई वो काफी ज्यादा जो है मेगापिक्सल देते हैं, लेकिन इस मेगापिक्सल ने जो है बाकी सारे मोबाइल फोन को जो है पीछे कर दिया है। 108MP का जो है 108 मेगापिक्सल का आपको जो है इस पे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। 108MP प्लस 8MP प्लस 5MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। अब मुझे इसमें बताने की जरूरत नहीं कि भाई आप इसमें जो है 8K वीडियोस तक को भी जो है इजिली रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है मुझे बताने की जरूरत नहीं। अब 8K बोल दिया मतलब कि आपको बहुत सारे फंक्शंस जो है आपको इस मोबाइल फोन में आपको देखने को मिल जाएंगे कैमरे में। फ्रंट कैमरे की अगर मैं बात करूं तो 16MP का इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा दिया गया है, मतलब कि डिस्प्ले के अंडर ही जो है आपका टोटल सेल्फी वगैरह सब कुछ जो है रहने वाला है, बाकी सब बाहर में जाए, ठीक है। अगर बैटरी की अगर मैं बात करूं तो 5000mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाएगा, जिसमें 120V का फास्ट चार्जर दिया गया है। वो भी भाई आपको अलग से खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको जो है इन द बॉक्स मतलब कि जब आप मोबाइल फोन परचेज करेंगे साथ में जो है आपको पैक करके जो है दे दिया जाएगा कि भाई ये लो 120V का फास्ट चार्जर है, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है 17 मिनट में आपका मोबाइल फोन यहां से यहां पहुंचा देगा, मतलब कि फुल चार्ज कर देगा। और साथ में जो है इसमें लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी दिया गया है। आपने देखा होगा आप जब भी कोई गेम वगैरह खेलते हो तो आपका मोबाइल फोन जो है वो हीट होने का चांस रहता है, लेकिन इसमें क्योंकि लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी दिया गया है तो आपका मोबाइल फोन है वो बिल्कुल भी जो है बिल्कुल नहीं कहूंगा हीट तो होगा ही, लेकिन बाकी मोबाइल फोन के कंपेयर में जो है ये काफी कम जो है हीट जनरेट करेगा आपके मोबाइल फोन में। साथ में जो है ARC साइड फिंगरप्रिंट सेंसर, भाई मुझे तो ये सब कहना ही नहीं चाहिए क्योंकि फिंगरप्रिंट सेंसर इतने महंगा फोन अगर हम परचेस कर रहे तो फिंगरप्रिंट सेंसर तो होगा ही होगा, वरना हम जो है मोबाइल फोन परचेस ही को करेंगे, ठीक है। तो ये तो काफी नॉर्मल बात है, तो ये होना ही चाहिए। साथ में जो है MIUI 12.5 का Android 11 के साथ जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। USB टाइप सी केबल है और साथ में वारंटी कार्ड, ये सब तो भाई बताने की जरूरत नहीं, ये सब तो आएगा ही आएगा आपके मोबाइल फोन में। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये मोबाइल फोन का जो फास्टर है वो कई मोबाइल फोन से कई ज्यादा जो है फास्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें जो रैम लगा हुआ है ना वो LPDDR4 या LPDDR4X नहीं लगा हुआ है, बल्कि इसमें जो है आपको LPDDR5 देखने को मिल जाएगा। साथ में जो स्टोरेज टाइप है वो भी जो है UFS 3.1, एकदम लेटेस्ट है, एकदम फर्स्ट क्लास है। ऐसा जो है टेक्नोलॉजी बहुत कम ही मोबाइल फोन्स में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है।
अगर आप देखना चाहते हैं Xiaomi 11T का रिव्यू, स्पेसिफिकेशन रिव्यू, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक या तो फिर आपको इधर देखने को मिल जाएगा, जाके देखिए। आपको अगर ये मोबाइल फोन पसंद आता है तो इसे परचेस कीजिए, वो पसंद आता है तो वो परचेस कर लिए, बाकी आपकी मर्जी। ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। गुड लक।